नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। बीसीसीआई ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, जिन 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया है उनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनका लगभग लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इस बार सेलेक्टर्स ने कुछ तो बदलाव जरूर किया है, इसको हम आपको जरूर बताएंगे। वैसे इस वक्त आईपीएल चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान इस बात पे था कि आखिर वो 15 खिलाड़ी होंगे कौन, क्योंकि इस वक्त आईपीएल में कई खिलाड़ी हैं जो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ युवा खिलाड़ी हैं जिनको देखकर लग रहा है कि शायद इन्हें भी ले जाना चाहिए वर्ल्ड कप। हालांकि अब बीसीसीआई ने तय कर दिया है कि वो 15 खिलाड़ी कौन से होंगे। वहीं 4 और खिलाड़ियों का नाम बीसीसीआई ने दिया है जो रिजर्व, यानी अगर उन 15 खिलाड़ियों में से कोई इंजर्ड होता है तो उन 4 खिलाड़ियों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। आपको बता दें, जिन 15 खिलाड़ियों के नाम का ऐलान हुआ है उसमें रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे। जो तमाम तरीके की अफवाहें चल रही थी कि विराट कोहली खेलेंगे या नहीं, उस पर भी अब रोक लग जाएगी क्योंकि विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव विराट कोहली के बाद आएंगे। शिवम दुबे को मौका मिला है, रिंकू सिंह को रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा गया है। वहीं 2 ऑलराउंडर्स भी लिए गए हैं जिनमें अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा है। कुलदीप यादव को मौका दिया गया है और मौका दिया गया है चहल को। तो यानी एक बार फिर वर्ल्ड कप में कुलचा की जोड़ी साथ में खेलती नजर आएगी। 2019 के बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल साथ में खेलते नजर आएंगे। वहीं अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, उसके अलावा अर्शदीप सिंह का नाम शामिल है। वहीं अगर रिजर्व प्लेयर की बात कर लें तो शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान और खलील अहमद का नाम शामिल है। वहीं ओपनर के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल भी नजर आएंगे क्योंकि शुभमन गिल को मौका नहीं दिया गया। तो इस 15 जो खिलाड़ियों का नाम शामिल है वो कमाल के खिलाड़ी हैं। हो सकता है आईपीएल में आपको और कुछ खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगे कि शायद इस खिलाड़ी को नहीं, इस खिलाड़ी को टीम में लिया जाना चाहिए था। इस तरीके से टीम सिलेक्शन हुआ ये देखकर ये तो नहीं लगता कि सिर्फ आईपीएल के बेसिस पर ही उनका सिलेक्शन हुआ है। इन खिलाड़ियों की बात करें उनमें जो सबसे बड़ी बात ये रही है कि केएल राहुल को मौका नहीं दिया गया है। जो 2 विकेट कीपर होंगे उनमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन का नाम शामिल है। उम्मीद है कि ऋषभ पंत शायद पहले टॉप 11 में खेलते नजर आएंगे। अगर ऋषभ पंत अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो शायद संजू सैमसन को मौका दें। ईशान किशन और केएल राहुल को मौका नहीं दिया गया। उम्मीदें ये भी लगाई जा रही थी कि दिनेश कार्तिक को मौका दिया जा सकता है। जिस तरीके से दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए गेम फिनिश कर रहे हैं, ऐसे सब यही कयास लगा रहे थे कि दिनेश को मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिनेश को भी मौका नहीं दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीपीएन 24।